हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सीख रहे हैं मैक्स डायनामिक्स विद वीएफएक्स मेंटर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बकायदा पूरी रोड की सीन वगैरह सब कुछ बनाकर आपको दिखाया था कि उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे पीएफ सोर्स को इम्बेड करते हैं, तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। So, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मास इफेक्ट्स में थोड़ा सा आगे। एंड किसी ने पूछा था हमसे कि वो चेन सिमुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको चेन का सिमुलेशन कैसे बनाना है। तो चलिए हम फटाफट पहले एक सीन सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं तो पहले इसको करूँगा सेव। तो मैंने यहाँ पे चेन सिमुलेशन नाम दे दिया और मैं यहाँ पर एक छोटा सा कुछ चीज बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं यहां से ले लेता हूं, पहले एक सीन बनाने के लिए मैंने यहां से छोटा सा ले लिया। एंड देन मैं इस साइड में जाता हूं और एक ऐसे वॉल ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी थिकनेस कर दीजिए कम। मैं जानबूझकर बहुत ज्यादा बड़ा सीन नहीं बनाऊंगा। बहुत ज्यादा बड़ा सीन बनाने से क्या होगा कि आपका जो सरफेस है वहां पे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब कि आप रेंडर करने लगेंगे ना तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पर एक बॉक्स एक छोटा सा लेता हूँ सिलेंडर। मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि हमें क्या बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ। बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या बनाना है। तो जब भी आप बनाएंगे ना तो आपको सोचना बहुत जरूरी है कि आपको एक्चुअल में आप क्या बनाना चाहते हो। नहीं सोचोगे तो आप कंप्यूटर खोलोगे और उसके बाद आप वापस उसको बंद करके रह जाओगे, क्योंकि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपको क्या बनाना है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिया है और इसको मैंने यहाँ पे से लगा लिया, ठीक है। ये हमारा सेंटर में है, मैं इसको भी ऐसे पकड़ता हूँ। एंड व्हाट वी कैन डू कि मैं इसको ऐसे पकड़ के जी बिल्कुल, और मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो मुझे अभी हेवी नहीं बनाना है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू द मेंटल लाइन। आप स्टैंडर्ड में आइए और स्टैंडर्ड में आकर यहां से आप इसको ले लीजिए लाइक सेरेमिक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और इन सबको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, इन सबको हटाइए, इसको भी हटाइए एंड जस्ट अप्लाई सेरेमिक, डन हो गया यहाँ पे। अभी इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एंड डिफ्यूज में जाते हैं, मैप में जाएंगे एंड वंस अगेन मैं यहाँ पे टाइल्स यूज करूंगा। और ये मैं बार बार आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस होती रहे और आप अच्छे से इसको समझते रहे और कुछ नहीं। सो नाउ कम टू दिस वन एंड अगेन गो टू द स्टैंडर्ड एंड द सेरेमिक। एंड इस बार सेरेमिक का जो कलर है मैं थोड़ा सा करूंगा इसको चेंज ऐसे एंड जस्ट अप्लाई and come to this side and again take a standard and the ceramic, or you can also use the concrete. So like concrete use kar sakte hain, so concrete is will look like this. ye dekhiye, so agar aap concrete karte hain to concrete aapko aisa dikhne wala hai, but मैं इसको अभी कॉन्क्रीट यूज नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्क्रीट में आपको बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, तो वो अभी छोड़ दीजिए, सेरेमिक में ही आइए। एंड सेरेमिक को इस बार मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा कलर चेंज लाइक कुछ ऐसा, जी हाँ बिल्कुल।
सो ये हो गया हमारा, और ये देखिए हमारा सेटअप अभी बन के तैयार है। अब हमें यहाँ पे एक चेन की सिमुलेशन बनानी है, यानी कि एक चेन बनाना है मुझे, ठीक है। यहां से लीजिए आप सर्कल, सर्कल लेने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए एडिटेबल स्प्लाइन एंड कम टू द वर्टेक्स एंड देन सिलेक्ट दिस वर्टेक्स एंड इसको अंदर क्यों लीजिए, इसको भी अंदर क्यों लीजिए, मुझे चेन बनाना है, राइट। सो आप यहाँ पे एनगॉन वगैरह भी लेके बना सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा लगे आप बना सकते हैं, मगर मैं फिलहाल के लिए यूज कर रहा हूँ अपना सर्कल है। सी, तो ये अभी हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ जाएंगे और इसको कर देंगे रेंडरिंग इनेबल, एंड आई विल जस्ट इंक्रीज द स्लाइड साइड वाला पार्ट एंड द एंगल वाला पार्ट कुछ ऐसा, एंड लिटिल बिट थिकनेस, एंड आई विल कन्वर्ट इन टू द एडिटेबल पोली एंड देन यूज टर्बो स्मूथ। सो टर्बो स्मूथ ये पूरा स्मूथ कर देगा, एंड देखिए ये हमारा चेन जैसा बन चुका है। अभी मैं इसको कर लेता हूँ आर और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको उसको ऐसे दबाना है आप दबा भी सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जी हाँ बिल्कुल हो गया, अभी हमारा इसको थोड़ा सा सब बढ़ा ही रखिए, चलिए डन। तो चेन एक्चुअल में कैसा होता है, तो चेन होता है बेसिकली कुछ इस तरीके का, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा और मोटा होता ना तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है अभी। सो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लगा दिया एंड इसको कर लिया इंस्टेंस में ओके एंड रोटेशन एंड जस्ट मेक इट रोटेट। अब इसको पकड़िए और इसको पकड़ के आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए और लगा कर इसको कर लीजिए आठ ओके, और तीन हो गया वो, तो अभी यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कर लीजिए से पांच। तो कुछ इस तरीके की चेन आपकी बनके तैयार है, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ी चेन हो गई हमारी, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। सो देखिए ये अभी हमारा पूरा का पूरा चेन बनके तैयार है, डन। अब हमें क्या करना है, हमें ई प्रेस करना है और इसको ऐसे घुमा लेना है। सो ये हमारा चेन है, राइट। आप चेन को और थोड़ा सा छोटा करो, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया चेन, ज्यादा बड़ा जरूरत नहीं है। दिस वन इज गुड। सो अभी आप आ जाओ और चेन को देखो कि चेन आपको एग्जैक्टली सही से कहाँ दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ दिख रहा है बिल्कुल। सो अगेन आपको यहाँ पे जाना है, आपको सर्कल में जाना है एंड यू नीड टू क्रिएट अ सर्कल। ये किस लिए क्रिएट करना है, तो ये करना है ताकि ये इसको होल्ड कर सके, जहां पे हमारा जो चैन है वो लटक जाएगा। इसको लेकर आएंगे और यहां पे से डाल देंगे, ये देखिए। सो ये पूरे चैन की प्रोसेस हो गई। अभी हमें यहां पे आना है और यहां पे इसको रखना है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा ये। अभी देखिए यहाँ पे तो हमारा ये ऐसा हो गया। अब हमें इसको सिमुलेशंस का काम करना है, तो चलिए एक एक करके सिमुलेशन करते हैं, लेकिन उसके पहले फाइल को सेव कर लीजिए एंड ये वाला जो पार्ट है ना इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो भाई, क्योंकि क्या है कि सामने थोड़ा सा ना मुझे कैमरा दिखाना है, तो वो कैमरा अच्छे से दिखना चाहिए। लाइक अगर हम ऐसे रखते हैं ना इतना, ये हमारा सीन ठीक रहेगा, तो उसी हिसाब से हमें इसे भी थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी सिमुलेशन करना है तो आपको सीन सेटअप करना होगा। तो देखिए मैंने ऐसे कर लिया यहाँ पे और ये मेरा बढ़िया सा सीन हो सकता है। मैं यहाँ पे एक कैमरा ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि जब जरूरत पड़े मैं वो कैमरा को ऑन कर सकूँ। चलिए सो अभी ये हो गया, अभी हमें क्या करना है, तो अभी करना है सबसे पहले यहाँ पे आना है और इसको आप मास इफेक्ट ऑन कीजिए और इसको आपको करना है स्टैटिक रिजिड बॉडी ओके। सो ये मना करेगा क्योंकि ये लाइन है, तो आप इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली कर दीजिए एंड देन आप इसको कर दीजिए स्टैटिक रिजिड बॉडी, देयर इज नो इश्यू, कॉन्वेक्स है ओरिजिनल कर दीजिए। यहां पे आइए और यहां पे आने के बाद आपको इसको करना है डायनामिक रिजिड बॉडी एंड ये कॉन्वेक्स है, यहां पे आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, तो आपको करना है सो कॉनकेव एंड देन जनरेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरेट होने में आपको थोड़ा सा वक्त लेगा, ठीक है, ये अभी हो चुका है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये सभी डायनेमिक हो चुका है, सबको सब में डायनेमिक हो चुका है, डन। तो यहां तक तो हो गया काम हमारा। अब हमें इसको पकड़ना है और यहां पे जाना है और इसको आपको भी कर देना है डायनेमिक रिजिड बॉडी। सो जैसे ही आपने डायनेमिक रिजिड बॉडी किया, सबके सब डायनेमिक रिजिड बॉडी में यहाँ पे
आ गए। एंड अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और ये हमारा है लाइक काइनेमेटिक रिजिड बॉडी, काइनेमेटिक रिजिड बॉडी। सो ये भी ऐसा रहेगा, पहले सेव कर लो भाई और इसको कर लो कॉनकेव एंड देन यू नीड टू जेनरेट। सो ये जेनरेट हो गया, बहुत बढ़िया, सही है। अभी मैं अगर इसको प्ले कर दूं तो ये देखिए कुछ ऐसा होगा, आपका ईंट वाला जो सेक्शन है वो हो गया, देखो चैन भी सिमुलेट है। मैं फिलहाल इसको टेस्ट कर रहा हूं कि ये कहीं उलट तो नहीं जाएगा, मुझे पहले इसको देखना है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सही, बहुत सही। एंड अब मजेदार चीज आपको समझ में आएगा यहाँ पे, तो ये हमने कर लिया। जी हाँ बिल्कुल सही है। सो ये तो हमने कर लिया यहाँ पे, और आप एक काम कीजिए, इसे इसे भी एक टेक्सचर डाल दीजिए, लाइक मैं थोड़ा मेटेलिक टेक्सचर डाल देता हूँ इसको। सो ऑटोडेस्क मेटल एंड जस्ट अप्लाई। एंड यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ। सो यहाँ पे जाऊंगा स्टैंडर्ड एंड ऑटोडेस्क मेटेलिक पेंट, तो चलिए मैं ये वाला डालता हूँ इसमें। एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ ऐसा, या डन। सो इनफैक्ट हमें सबको करना होगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, सबको हटाइए एंड अप्लाई। मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप जो भी चीज बनाएंगे ना एकदम प्रॉपर बनाइए, फिर आपको काम करने का मजा आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बन जाता है। सो यहां तक हमारा सारा काम हो गया, लेकिन अब हमें जो करना है सबसे पहले वो ये करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सबको डिसलेक्ट करना है, डिसलेक्ट करना है, इसे भी डिसलेक्ट करना है, सिर्फ ये वाला हमारा सिलेक्टेड है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन में इसके जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट इन स्लिप मोड, ठीक है, स्टार्ट इन स्लिप मोड ऑन, हो गया डन, यहाँ तक कंप्लीट। एंड अभी आपको ये तो हो गया कंप्लीट, अभी इसको पकड़ना है। सो अभी यहाँ पे तो हो गया हमारा कि यहाँ पे मैंने लगा लिया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसे करना है स्टैटिक रिजिड बॉडी, इसे भी पकड़ना है, इसे भी करना है स्टैटिक रिजिड बॉडी, इसे भी पकड़ना है और इसे भी करना है स्टैटिक रिजिड बॉडी। अभी हमारा सब स्टैटिक रिजिड बॉडी हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी आप यहाँ पे आइए और इन चैन को पकड़िए ऐसे, इसके साथ और कुछ सिलेक्टेड है क्या, नहीं ठीक है, टाइप एरर, ओके ओके डोंट वरी। सो यहाँ पे हम जाएंगे और ई प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे इसलिए रखेंगे ताकि ये हमारा एनिमेट होता हुआ दिखे, ठीक है, कुछ ऐसा रखेंगे। अभी हम यहाँ पे सी प्रेस करते हैं, देखिए हमारा कैमरा आ गया, ठीक है हमारा कैमरा आ गया। अभी हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं एंड देन नाउ जस्ट प्ले, ये देखो आपका चैन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन जैसे ही देखो उसको टकराया पूरा का पूरा उसका ये हो गया, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, मतलब ये चैन जो है थोड़ा तो सा साइड हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ये साइड हो गया है, तो आप इसको पकड़िए, इसे पकड़िए और पकड़ के इसको थोड़ा सा इस साइड ले लो जहां पे वो दीवार से एटलीस्ट टकराए, ठीक है, कुछ ऐसा डन। और ये सबका जो सिमुलेशन होगा स्टेप, उसको कर दो ऐसे 5 सब स्टेप, ठीक है। एंड अभी आप यहाँ पे कंट्रोल एस कीजिए एंड एक बार प्ले कीजिए। ओह तो अपना जगह पे चलेगा ना, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो इन सब में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा ये बाउंस कर रहा है, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, सबको डिसलेक्ट करो पहले जैसे, ठीक है, अभी ये सिलेक्टेड है, मैं इसको कर लेता हूँ वॉल ब्रिक ऐसे, और एक बना देता हूँ यहाँ पे इसका लेयर ताकि जब भी हम करें सो वॉल ब्रिक सिलेक्ट हो जाए एक बार में। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि इसके ऑप्शन में जाने हैं और ऑप्शन में जाकर आपको इसका जो डेंसिटी है उसको कर दीजिए लाइक 150,
ठीक है 150 कर दीजिए इसका डेंसिटी। डेंसिटी थोड़ा सा भारी हो जाएगा जो, लेकिन याद रखना ये ज्यादा भारी करोगे तो ये कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो करेगा, तो मैंने 150 के आसपास इसको रखा है। तो ये भी क्या हो गया, ये थोड़ा भारी हो गया, और थोड़ा कम करो लाइक 80 कर लो। ठीक है 80 कर देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड इसका ये जो है इसको कर देते हैं 0.1, इसका जो बाउंसीनेस है इसका 0.1 कर देते हैं। अभी क्या होगा, अभी आप देखिए यहां पे आके क्या हो रहा है। अरे ये सिलेक्टेड है क्या? ओह माय गुडनेस, ये सिलेक्टेड है। यहाँ पे करो ब्रिक टू, सिर्फ ये होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सिर्फ ये होना चाहिए। हो गया, अभी मैंने कर तो दिया है, अभी मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ इसको क्या होता है, देखते हैं। और देखो एक चेन भी वहां पे टूट गया, ठीक है, क्योंकि उन ईंटों का जो वेट है वो बहुत ज्यादा है तो वो चेन टूट गया। बट डोंट वरी, अभी मैं एक चीज और करूंगा, जाता हूँ यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करो और इसकी जो एनिमेशन है ना वो पहले से ही बना कर रख दीजिए। ठीक है थोड़ा सा ऐसे रखो, है ना, थोड़ा ऐसे रखते हैं इस तरीके से वॉल बनाते हैं। एंड इसका ये जो चेन आपने बनाया ना इसका भी डेंसिटी बहुत कम है, तो इसका डेंसिटी एटलीस्ट 30 कर दीजिए। ठीक है इसका डेंसिटी हमने कर दिया 30, एंड अभी 30 कर दिया तो ये काफी अच्छे से काम करेगा। और ये वाला जो है ना नीचे के ना एक दो कड़ी इसके डिलीट कर देते हैं, ठीक है फिलहाल के लिए दो कड़ी डिलीट कर देते हैं। एंड नाउ प्ले। और ये देखो ये यहाँ पे ऐसे कुछ घूम रहा है, ठीक है कुछ इस तरीके से घूमने जा रहा है ना। ये कुछ इस तरीके से अभी अपना गिर रहा है, ठीक है ना। सो मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे आकर मैं इसके सिमुलेशन सब स्टेप पर इसको थोड़ा सा इसको 60 करता हूँ और इसको थोड़ा सा 7-8 के आसपास मैं इसको रखता हूँ। मैं ये चेक करूंगा यहाँ पे कि मतलब ये अभी कैसा रिएक्ट कर रहा है। एंड एक और चीज अपने को करना है वो ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंड सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि ये यहाँ तो है ही, ठीक है ना, यहाँ से घूमना चालू हो रहा है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक चीज और डालना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा, है ना, और ऐसा घूमेगा। तो आपको क्या होगा कि आपको रिएक्शन समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या रिएक्शन हो रहा है उसका, समझ आइए यहाँ पे। एंड मैंने अभी बढ़ा तो दिया है, एंड लेट्स ट्राई। ये देखो जैसे ही चैन वहां पे जाएगा, लेकिन ये जो इतना जो उछल रहा है ना ये नहीं होना चाहिए था। ये जो आप देख रहे हो ये इतना ज्यादा जो बाउंस कर रहा है ना, आई डोंट थिंक कि ये चीज ऐसा होना चाहिए। सो मैं एक बार इसको सिलेक्ट करता हूँ और पहले सबको हटाता हूँ यहाँ से, ऑल्ट दबा के सबको हटा लीजिए, ऑल्ट दबा के इसको भी हटा लीजिए। एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ वॉल टू। एंड वॉल स्टैटिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा लाइक कंट्रोल आई कर लीजिए एक बार के लिए। कंट्रोल आई करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो सबको फटाफट डिसलेक्ट कीजिए, फटाफट डिसलेक्ट कीजिए। एंड यहां से आपको कर लेना ये वाला, ठीक है इसे भी हटा दो, ये सब हटा दो, है ना, ये सब जो भी है सब हटा दीजिए। चलिए डन। अभी अगर हम यहां पे देखें ये सबको हटाइए, अभी यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे मे बी इसकी जो ग्रेविटी है ना वो थोड़ी ज्यादा ये हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे काम और कर सकते हो,
कि आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे जो ग्रेविटी है लाइक इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं 20, एंड इसकी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है उसको थोड़ा सा ये कर लो। ओके नाउ लेट्स प्ले। ये देखिए आपका कुछ इस तरीके से, और ये देखो ये भी रिएक्ट कर रहा है, ये देखो ये चीज भी इसके साथ अच्छे से रिएक्ट कर रहा है सी, ये देखो बहुत ही अच्छे से ये चीज इसको रिएक्ट भी कर रहा है। चलिए सो डन, ये पार्ट तो हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट करता हूँ, और मुझे यहाँ पर एक्चुअल में क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे एक स्फीयर लगाना है, मतलब एक कुछ बॉल जैसा इसके अंदर लगा रहेगा, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे आप स्फीयर में, और यहां से ले लो आप एक स्फीयर, और इसको देखने के लिए आपको इसके पहले साइड पे जाना होगा, कहाँ से ये दिख रहा है, या बिल्कुल यहां से दिख रहा है। सो आप यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट कीजिए ऐसा, एंड देन आई हैव टू डू दिस लाइक दिस सी, कुछ ऐसा। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमारा क्या है, फ्रंट है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं, और ये देखो हमारा ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, इसको ले आइए नजदीक यहाँ पे, और ये देखिए शायद नीचे में है या ऊपर में है, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे इसको रखना है, मतलब ये एकदम इसके साथ अटैच रहेगा। अभी हमें इसके साथ इसको अटैच ही करना है, ठीक है ना। तो कैसे अटैच करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं, अब ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहां पे जाएंगे, ओके डन। अभी आपको क्या करना है, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो इससे क्या करना है कि आप ये कर लीजिए लाइक यहाँ पे जाइए, और इसको कर लीजिए आप डायनामिक रिजिड बॉडी एंड मेक इट स्फीयर, ठीक है डन। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे आना है, यहां पे देयर इज अ कंस्ट्रेंट, सो यहां से आपको लिखना है, लेना है क्रिएट रिजिड कंस्ट्रेंट, और इसको यहां पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे देखो एक बॉक्स ऐसा यहाँ पे कुछ आ गया। अभी ये कंस्ट्रेंट के अंदर भी जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो दिखाएगा पेरेंट एंड चाइल्ड का ऑप्शन, तो देखिए चाइल्ड इज अ स्फीयर बट पेरेंट अनडिफाइंड है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये देखो ये इसका पेरेंट हो गया, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं। अभी आप देखिए इसको मैं सिमुलेट करता हूं, ये देखिए, और ये टूट जा रहा है, डेफिनेटली टूट जाएगा, ये अभी टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि अगर आप इसका, इस स्फीयर का अगर आप डेंसिटी जो आप देख रहे हो ओवरऑल, इट्स वेरी हाई डेंसिटी राइट, बट इसका तो हम इसको क्या करने वाले हैं कि इसको पकड़ेंगे ये चेन को, और इसका डेंसिटी हम कर देंगे 10, ठीक है 10 कर देंगे इसका डेंसिटी। तो अगर आप यहां पे आके देखेंगे तो देखिए इसका डेंसिटी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया। अभी आप इसको प्ले करके देखो क्या होता है, प्ले करो, अब देखो ये नहीं टूट रहा है, अब ये चेन नहीं टूट रहा, देखो बहुत ही रियलिस्टिक वे में, एकदम रियल वे में ये आपको सिमुलेट कर रहा है राइट। सो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार इसको से पूरा को सिलेक्ट करता हूं, इसको डिसलेक्ट करता हूं, और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर रखूंगा ऐसे, थोड़ा सा ऊपर रखो, एंड इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट थोड़ा सा से बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा से बढ़ा लीजिए, और इसकी हाइट भी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। बट एक चीज याद रहे, एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप इसका हाइट चेंज करेंगे तो वापस इसको बॉक्स करेंगे, वापस से इसको बॉक्स करेंगे, नहीं तो वो उतना ही दूर सिर्फ एडिटेबल जैसा रहेगा और बाकी में नहीं दिखेगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी हमारा सीन बन चुका है, एंड नाउ जस्ट प्ले। ये देखो
बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज आपका यहाँ पे गिर रहा है और वो रिएक्ट भी बहुत अच्छे से कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और कर देता हूं, क्या कर देता हूं कि मैं यहां से इन सबको सिलेक्ट करता हूं मैनुअल। आप एक चीज देखिएगा तो कुछ शायद थोड़ा सा और अच्छे से चीजें समझ आएगी। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं एंड वंस अगेन मेक इट यूनिक। ओके ये वाली नहीं, शायद शायद यहां भी ये वाली सिलेक्टेड है ऑलरेडी। सो नाउ मेक इट यूनिक, और यूनिक करने के बाद इसे भी आप कर दीजिए स्टैटिक रिजिड बॉडी। ठीक है, अभी स्टैटिक कर दिया मैंने, अभी आप देखो प्ले करो। ये देखो वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं टूटेगा क्योंकि हमने उसको स्टैटिक कर दिया है, वो हिस्सा नहीं टूटेगा। सो डन, परफेक्ट। अभी मैं इसको पकड़ता हूं, एम प्रेस करूंगा और यहां से दे दूंगा इसको भी लाइक मेटल। ठीक है, सो ये हमारा पूरा सीन अभी कंप्लीट है। अभी देखो ये कैसे जोड़ना ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको कैमरा जो था हमारा कैमरा को सेट करता हूँ। सो दिस वॉज माई कैमरा एक्चुअली, मगर मैं इसको सिर्फ नहीं रखूंगा, थोड़ा सा कैमरा में मैं चेंज करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और कैमरा को थोड़ा सा चेंज करूंगा। कैसे चेंज करेंगे? सो थोड़ा सा इसको ऐसे पीछे ले जाइए, ठीक है, एंड कैमरा में आकर आप इसको कर लो ऐसे लाइक 35 mm, एंड FOV जो है इसको थोड़ा सा ऐसे रख लो। ठीक, डन। एंड यू कैन लाइक ये देखो, सो कुछ इस तरीके से हमने कैमरा को सेट कर लिया। डन, अभी आप देखिए, सो कंट्रोल एस कर देते हैं और इसको हम एक बार सिमुलेट कर लेते हैं। ये देखो आपका चैन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा और पूरे दीवार को ऐसे तोड़ता हुआ दिखेगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा होगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस मुझे चाहिए। वो ये चाहिए कि ये जो यहां से चल के यहाँ आ रहा है, राइट, तो आपको क्या करना है, इसको पहले हटाइए और यहां से चल के वो यहाँ आ रहा है ना। तो मैं कर लेता हूँ इसको पहले प्रस्पेक्टिव, अरे यहाँ पे आता हूँ, और ये जो उधर जा रहा है तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो एंड इसको आप इधर ले आओ। हाँ तब ठीक होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं और एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए, एंड ये वाला जो सर्कस है ये पहले से ही घूमता रहेगा। तो क्या होगा कि वो ईट के साथ रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके के और भी कई मैकेनिज्म आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये देखिए वो ईंट को भी, ईंट के साथ भी उसकी रिएक्शन बन रही है और वो ईंट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ये देखो पूरे ईंट को हटाता हुआ एकदम जा रहा है वो। ठीक है, डन। सो आई थिंक कि हमने यहां तक इन चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, राइट। अभी मैं थोड़ा सा यहां आऊंगा और थोड़ा सा हम यहाँ आएंगे, थोड़ा सा इसको इधर की ओर भी ले आते हैं। हाँ डन। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं कि अब मैं इसको करने वाला हूं एक बार के लिए बेक। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, यहां जाएंगे और यहां पे जाकर हम कर देंगे इसको बेक ऑल। सो जस्ट बेक इट। तो ये बेक हो रहा है, अभी आपको टाइमलाइन में ये चीज मिल जाएगा। और ये देखिए आपका जो चेन है बहुत अच्छे से सिमुलेट भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेन में। डन। और मैं तुरंत इसको फाइल सेवेज कर दूंगा। सेवेज इसलिए करना है
ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए बाद में तो फिर वो अनबेक जल्दी होता नहीं है, तो इसलिए बेक वाला एक अलग से सेव कर लीजिए। एंड कंट्रोल एस एंड प्रेस सी फॉर कैमरा, बंद करते हैं इसको और इधर ले आते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे लाके मैं एक रेंडर डालता हूँ, तो आप देखेंगे काफी खूबसूरत रेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए विथ रिफ्लेक्शन एंड ऑल दैट, एवरीथिंग इज लुकिंग जस्ट परफेक्ट। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, अनदर थिंग जो हमें करना है यहाँ पे, लाइटिंग करनी है। थोड़ी सी लाइट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने लाइट भी सीखा हुआ है, तो हमें लाइट भी देना होगा यहाँ पे। और ये जो है ना, इसका जो वो है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, बिकॉज ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मैं इसको यहां से दे देता हूं लाइक ये वाला, ताकि एटलीस्ट दिखे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइट देना है, तो लाइट आपको जो दिल करे दे दीजिए। मैं फिलहाल के लिए दे देता हूँ डे लाइट सिस्टम, सो जस्ट क्रिएट एंड जस्ट यूज इट। मैनुअल में जाते हैं, डन। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाकर कर दो उसको मेंटल वे सन, और इसको कर दीजिए आप मेंटल वे स्काई। यस, स्काई ऐड करना है मुझे। ओके, दैट्स इट, कहानी फिनिश। एंड गो टू रेंडरिंग एंड एनवायरमेंट एंड जस्ट ऐड मेंटल रे फोटोग्राफी, एक्सपोजर कंट्रोल ही रहेगा। अभी बार आप कर लो सी कंट्रोल एस एंड देन आप इसको रेंडर कीजिए। और ये देखिए काफी खूबसूरत सा रेंडर आपको मिलेगा, विथ शैडो विथ एवरी काइंड ऑफ डिटेल। ये देखिए ये देखो, काफी अच्छे से ये आपको रेंडर मिल रहा है। मैं थोड़ा सा रेंडर सेटअप में जाऊंगा एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन जाकर स्काईलाइट को फाइनल गेदर यहां पे कर देंगे। इनेबल फाइनल गेदर ऑन रहेगा, डन, ठीक है। और हमें किसी चीज की यहाँ पे जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है। आप मल्टीप्लायर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लाइक 1.5 कर सकते हैं। एंड देन जस्ट एक गो टू द कस्टम एंड एच डी टी बी 920 720p का एक रेंडर मार के देख लेते हैं। आइए और इसको कर दीजिए कंटिन्यू। ये देखिए बहुत ही बढ़िया रेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सी आप देख लो यहाँ पे शैडो वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट आपको दिख रहा है, परफेक्ट। ठीक है, चलिए अभी ये इसका जो फाइनल रेंडर है वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि इसको फाइनल रेंडर आने में टाइम लगेगा, तो मैं अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, सो डन, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम यहाँ पे चेन का सिमुलेशन, चेन क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, चेन सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं, एंड ये सारी चीजें जो मैंने आपको किया ये आपके सामने मैंने करके दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, रहिए आप हमारे साथ बने हुए और देखते रहिए हमारी वीडियोस। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।